फ्रेंडशिप पार्टी के दौरान हुआ बवाल, देर रात दो पक्षों में जमकर चले लातघूसे, रेस्टोरेंट में की गई तोड़फोड़, कई घायल। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रूफटॉप ड्रिंक्स एंड डाइन रेस्टोरेंट में हुई घटना, घंटों चला हंगामा। बता दें कि खबर है रीवा से, जहां रविवार की रात को फ्रेंडशिप डे के मौके पर रेस्टोरेंट में आयोजित पार्टी के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। यहाँ पार्टी के दौरान दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान जमकर लात घूसे चले हैं और रेस्टोरेंट में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। घटना देर रात शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में संचालित ड्रिंक्स एंड डाइन की है। बताया गया कि पार्टी के दौरान दो पक्षों में मामूली विवाद के बाद आधा सैकड़ा लोग मौके पर पहुंचे और जमकर उत्पात मचाते हुए न सिर्फ मारपीट की बल्कि रेस्टोरेंट को भी तहस नहस कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही शहरी थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची, विवाद को शांत कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मारपीट की घटना में दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने रात में ही अस्पताल पहुंचा दिया है। हालांकि विवाद की वजह क्या थी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन विवाद करने वाले पूरी तरह से नशे में धुत थे। दरअसल ये पूरी घटना शहर के सिविल लाइन थाना में संचालित एक रूफटॉप रेस्टोरेंट ड्रिंक्स एंड डाइन की है, जहां फ्रेंडशिप डे पर पार्टी का आयोजन किया गया था। बताया गया कि इस पार्टी में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिन्होंने पहले से बुकिंग करा रखी थी और ज़्यादातर इसमें कपल शामिल थे। देर रात चल रही इस पार्टी के दौरान दो पक्षों का किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया और उनके बीच मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई और देखते ही देखते बाहर से आए आधा सैकड़ा लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर विवाद कर दिया। बताया गया कि रेस्टोरेंट में हो रहे विवाद के बीच कर्मचारियों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट हुई और रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन सहित शहर भर के अन्य थानों का बल भी मौके पर पहुंचा और विवाद को शांत कराया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि इस घटना के विवाद की वजह अभी भी साफ नहीं हो सकी है, लेकिन कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक ड्रिंक एंड डाइन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे दो पक्षों में कुछ विवाद हो गया था और जिसके बाद फिर दोनों पक्षों को थाने लाया गया था, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों ने FIR कराने से मना कर दिया है। आपस में समझौता उन्होंने कर दिया है, लेकिन अगर इसमें कोई शिकायत करता है तो उसकी निश्चित रूप से उसकी जाँच की जाएगी और या जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी इसमें।